नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ ब्यूटीफुल लाइफ सुप्रिया के एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, दुर्गा पूजा हो गया, लक्ष्मी पूजा हो गया, अभी तो बारी है दिवाली आने की। तो घर का थोड़ा तो साफ सुथरा है, लेकिन फिर भी इतना दिन के अंदर फिर से गंदा हो जाता ही है। और मेरे घर के सामने इतना बड़ा बैलकोनी है, हवा तो बहुत आता है, क्योंकि मैं तो सामने का डोर ज़्यादा टाइम खोल के रखती हूँ ना। तो मैं आज सोची आज से फिर से मैं दिवाली का साफ सुथरा करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि लक्ष्मी माता जो कहावत होता है ना, साफ सुथरा घर में आते हैं। तो वही बचपन से मम्मी का मुँह से सुन सुन के एक हैबिट भी जैसा हो गया। तो इसकी वजह से आज से मैं शुरू कर दूंगी दिवाली का साफ सफाई करना। तो सबसे पहले मैं एकदम सामने वाला रूम ही क्लीन करूंगी। और ये देखिए कितना सारा सब्जी है, कितना सारा मतलब टमाटर है, बीन्स है, खीरा है, और इसको क्या बोलते हैं, मेथी, सॉरी फ्रेंड्स, मेथी साग है ये। तो ये कल रात में लेके आई थी, लेकिन रात में मैं क्या किया ना, सारी सब्जी धो के इधर ही रखी थी चेयर के ऊपर, फ्रिज में नहीं उठाया था क्योंकि पानी था। लेकिन मैंने मेथी साग नहीं धोया, क्योंकि मेथी साग अगर धोती ना तो पूरा ख़राब हो जाता, सड़ जाता। तो उसकी वजह से मेथी साग को छोड़ के बाकी का सब सब्जी मैंने अच्छा करके धुल के फिर चेयर में रखा था। और अभी सुबह का टाइम है ना, पूरा सब्जी एकदम सूख गया। अभी मैं जाके सब्जी पूरे फ्रिज में रख दूँगी। दिवाली के दिन में ना फ्रेंड्स, मेरे मायके में घर में लक्ष्मी पूजा होता है और बाहर काली पूजा होता है। काली पूजा मतलब आप में से बहुत कोई जानते हैं, बहुत कोई नहीं जानते। काली माता पूजा भी मतलब काली माता को पूजा ना बंगाल में बहुत चलता है। तो काली माता का पूजा होगा एकदम घर के सामने, मंदिर है बहुत बड़ा सा मंदिर। लेकिन इस बार मैं घर नहीं जा पाऊँगी दिवाली में, कुछ कारण के लिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो जो भी हो, मन थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि मेरा बहुत सारा फ्रेंड लोग है जिसका टिकट लेना ऑलरेडी हो गया। कोई तो प्लेन से जा रहे हैं, कोई ट्रेन से जा रहे हैं, और मैं तो जा ही नहीं पाऊँगी। तो कभी कभी मैं जब सोचती हूँ थोड़ा सा मन ख़राब लगता ही है, लेकिन इस सोच से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरा। और एक चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए गेंदा का फूल आया। अगर कोई भी फूल का पॉट में मतलब फ्लावर पॉट में अगर फूल आता है ना, कितना खुशी लगती है। जब फूल नहीं आता है तो हम लोग को कैसा लगता है ना, मन ख़राब हो जाता है। लेकिन फूल जब आना शुरू हो जाता है ना, मन भी अच्छा हो जाता है। अरे देखिए मेरा किचन का क्या हाल है, बहुत ही ख़राब हाल है। लेकिन अभी तक मेरा खाना बनाना चालू ही नहीं है, क्योंकि ये सब सुबह का बर्तन है। आज अभी तक मैंने चाय नहीं पिया फ्रेंड्स। आज मैंने बहुत ज़्यादा वॉकिंग किया, कम से कम 40 मिनट के ऊपर तो होगा ही होगा। थोड़ा थोड़ा करके टाइम में बढ़ा रही हूँ, अच्छा भी लग रहा है, हैबिट का जैसा भी हो रहा है। क्योंकि मम्मी पापा आने के बाद से बहुत सारा अच्छा अच्छा हैबिट मेरा छूट गया था, मैं पूरा आलसी हो गई थी। तो लॉस खुद का ही होता है। तो जो भी हो, मम्मी पापा है वो तो आएंगे, लेकिन खुद का हैबिट छोड़ना नहीं चाहिए था। तो ज़्यादा लाट प्यार में जो होता है इंसान का, वैसे ही हुआ, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा तो कोई भाई बहन है ही नहीं। तो पूरा प्यार मुझे ही मिलता है मम्मी पापा का। तो जो भी हो फ्रेंड्स, वो फिर से हैबिट मेरा चालू भी हो जाएगा। तो साफ़ सुथरा करने के साथ साथ पेट का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा, मतलब खाना भी तो बनाना पड़ेगा। तो मैं आ गई चावल भिगाने के लिए। हम लोग तो बॉयल्ड राइस खाते हैं, तो मैं रात में भिगो के रखती हूँ, लेकिन कल रात में मैं भूल गई थी भिगाना। तो अभी मैं फटाफट चावल लेके इसको भिगाऊंगी और फटाफट बिठा दूंगी। भिगाने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, रात को अगर भिगाती हूँ ना तो गैस बहुत कम यूज़ होता है, गैस थोड़ा सा सेविंग होता है। तो उधर मैंने चावल बिठा दिया, अभी मैं आई बेड वगैरह क्लीन करने के लिए। काम करते करते मैं बहुत सारा साफ सुथरा का काम भी कर रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन हर जगह मोबाइल लाना भी पॉसिबल नहीं होता है और याद भी नहीं रहता है, छूट जाता है। तो बहुत सारा काम भी इसके अंदर जुड़ रहा है, लेकिन वो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। जो भी हो, काम इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद को ही करना पड़ेगा पूरा घर का साफ सफाई। क्योंकि बच्चे मतलब मेरे दोनों बच्चे और मेरा पतिदेव, ये तो हेल्प कर नहीं पाते। बच्चे तो ज़्यादातर गंदा करते, पतिदेव तो संडे के दिन हेल्प करते हैं फ्रेंड्स, उसके अलावा तो उनका टाइम भी नहीं मिलता। तो अभी मैं आके रोटी बनाने के लिए, अरे रोटी तो अब सबको मैं बताई थी, मेरा एक फ्रेंड है अश्विनी, उसने मुझे सिखाया महाराष्ट्रीय रोटी कैसे बनाते। रोटी का जैसा गोल नहीं होता है, ट्रायंगल हो जाता है पराठा का जैसा, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा है, रोटी का जैसे पूरा इसका टेस्ट है। तो रोटी बनाना मेरा हो गया, अभी मैं आ गई ये वाला सोफ़ा को अच्छा करके क्लीन करने के लिए।
सोफ़ा तो मैंने बहुत अच्छा करके पूरा क्लीन कर लिया, लेकिन सोफे का नीचे का हाल देखिए। कल रात को पढ़ाई हुआ था ज़बरदस्त, लेकिन बुक वगैरह सब रखते हैं मेरे लिए, थोड़ा बहुत ही उठा के रखते क्योंकि स्कूल में लेके जाना पड़ता है, बाकी का तो मम्मा आप उठा देना, बच्चे का प्यार है, जो भी हो कर लेते हो फ्रेंड्स। क्योंकि इसका भी मैं आज पूरा अच्छा करके क्लीन करूँगी, इस वाला रूम को एक एक रूम एक एक दिन करूँगी फ्रेंड्स, सब रूम में इकट्ठा नहीं कर पाऊँगी। बड़ा बड़ा कोई चीज़ रहता है ना तो उसके ऊपर धूल चढ़ता है तो दिखाई देता है, लेकिन दीवार में कबोर्ड में ऐसा जगह पे धूल दिखाई नहीं देता है फ्रेंड्स, लेकिन धूल बहुत होता है, इसकी वजह से ये सब चीज़ भी आज साफ़ करना चाहिए। तो इस रूम का लगभग मेरा साफ़ सुथरा करना कंप्लीट हो गया, अभी अच्छा करके डीप क्लीन करके मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद डीप क्लीन करके मैं इसका पोछा लगाऊंगी। मतलब पूजा के अंदर तो इस रूम को मैं और इतना अच्छा करके साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि इतना अच्छा करके मैंने तो आज साफ़ कर ही दिया। हाँ, झाड़ू पोछा तो लगाना ही है, वो तो मैं कर ही लूँगी। साफ़ करने के बाद कितना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स दिखने में। तो झाड़ू लगाना पूरा हो गया अच्छा करके, अभी मैं अच्छा करके पूरा पोछा लगा रही हूँ, और आज ना मैं नमक पानी से पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं डेली एक ही चीज़ से पोछा नहीं लगाती, कभी नमक पानी, कभी फिनाइल, कभी डेटॉल, कभी नॉर्मल पानी, कुछ ना कुछ डाल के मैं पोछा लगाती हूँ। तो पोछा लगाना हो गया, अभी मैं आ गई मंदिर का पोछा लगाने के लिए, क्योंकि इकट्ठा कर लूँगी ना तो बाद में टेंशन नहीं रहेगा। तो इकट्ठा पोछा लगाने के बाद मैं अभी जाऊंगी फिर से किचन में, क्योंकि खाना अभी तक पूरा नहीं बना है, मैं डाल बिटा के आई हूँ मंदिर में पोछा वगैरह लगाने के लिए। दाल बन के भी लगभग रेडी हो गया, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है फ्रेंड्स, आप सबको तो समझ में नहीं आ रहे हैं लेकिन मुझे समझ में आ रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। और बहुत दिन के बाद मैं दाल बना रही हूँ, क्योंकि यह सबसे बड़ी बात है, डेली डेली बीच पे बनाती थी दाल, बहुत ही दाल ना वेस्ट होता था। तो मैं अभी क्या करती हूँ ना, हफ्ते में 2 या 3 दिन दाल बनाती हूँ तो वो दाल ख़त्म हो जाता है, नहीं तो पहले मैं डेली बनाती थी वो दाल रह जाता है, या तो मुझे खाना पड़ता था बासी दाल, नहीं तो फेंकना पड़ता था। तो दाल बनाना भी मेरा कंप्लीट हो गया, अभी मैं आ गई टी टेबल अच्छा करके क्लीन करने के लिए। ये नॉर्मल क्लीन रहती ही है, लेकिन इसके ऊपर भी ना कभी कभी दाग लगा हुआ रहता है, तो नाखून से मैं अच्छा करके दाग वाग सब उठा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स दाग क्यों रहता है, कभी बिस्किट रखते हैं बच्चे, कभी मैं चाय के कप रखती हूँ तो थोड़ा बहुत दाग लगा ही रहता है, लेकिन उस टाइम हम लोग क्लीन नहीं करते, दिखाई देता है गंदगी लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। तो वो भी क्लीन करना मेरा हो गया, अभी बारी आया मेरा चाय पीने का, बहुत चाय पीने के लिए मेरा मन हो रहा था, आज चाय पी रही थी और एक फ्रेंड का कॉल आया, तो चाय पीने के साथ साथ मेरा एक ही साथ 2 काम भी हो रहा है। उसके साथ मैंने डाइनिंग टेबल को भी अच्छा करके क्लीन कर दिया फ्रेंड्स, आज ना मैं डाइनिंग टेबल को सर्फ़ का पानी से पोछा लगाया। मैं कभी भी हार्पिक डाल के डाइनिंग टेबल क्लीन नहीं करती हूँ, आप लोग भी मत करना फ्रेंड्स, नहीं तो डाइनिंग टेबल पूरा ख़राब हो जाएगा, जैसे मेरा टीवी ख़राब हो गया, तो इसकी वजह से मैं टीवी देखती हूँ लेकिन आधा अधूरा पिक्चर दिखाई देता है। तो अभी डाइनिंग टेबल क्लीन हो गया, टी टेबल क्लीन हो गया, वो वाला रूम भी, बच्चों का रूम भी पूरा क्लीन हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा काम हो गया फ्रेंड्स। और आज पूरा बनाऊंगी सिंपल सा खाना, ये है करेला, करेला का सब्जी नहीं बनाऊंगी फ्रेंड्स, करेला का एक फ्राई बनाऊंगी आलू डाल के और उसके साथ दाल, और आज कुछ भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से हल्का फुल्का खाना खाऊंगी ना तो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। सच पूछिए तो फ्रेंड्स कल संडे का दिन था, बहुत हेवी खाना हो गया था, तो मंडे में मैं थोड़ा लाइटली खाना ही पसंद करती हूँ, और बच्चों को भी ऐसे हैबिट दिलवा दिया कि जिस दिन हम लोग ज़्यादा हेवी खाएंगे दूसरे दिन थोड़ा सा हल्का फुल्का खाएंगे, इसकी वजह से आज से दाल और करेला आलू फ्राई, और जो भी होगा मतलब मंगलवार को होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग अगर हर बार हेवी खाना खाएंगे ना सही में डाइजेस्ट करना बहुत टफ हो जाता है, बड़े लोग फिर भी कर लेते हैं लेकिन बच्चे के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहिए। आज बहुत ज़्यादा काम हो गया फ्रेंड्स, मैं थक गई और आज मुझसे नहीं होगा,
अगर मेरे ब्लॉग मेरे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट्स करना ज़रूर भूलना बिल्कुल भी नहीं। आज इतना ही, फिर मिलते हो कल का नए ब्लॉग में। अभी तो मैं फेस पे लगा रही हूँ एलोवेरा जेल, फिर मिलते हो कल का नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय, नमस्ते।